we'll all together say we belong to this class. Namaste, we all belong, and I belong to this class. So we'll just say everyone at the same time. So, 3, 2, 1. Namaste, Namaste. I belong to this class. Okay. और डिवाइन वाइब्रेशन है वो सबके अंदर है, अगर हम सिर्फ उसको रियलाइज नहीं कर पाते, वो है, वो फाइंड करने की चीज नहीं है, हम वो रियलाइज नहीं कर पाते. एंड दैट इज व्हाई दिस लीनियज ऑफ सिद्ध परंपरा, शक्ति परंपरा, दे डिवाइस सम टूल्स टू गो बियॉन्ड दिस एनिमल नेचर ऑफ आवर्स. तो आप ये सेमिनार में खासियत होती है हमारे कि टेस्टिमोनियल आपको दिखते ही आपके लाइफ में टेस्टिमोनियल्स होते हैं. आज तक क्या बिगड़ा है, करेक्ट, आज तक हम क्या कबाड़ा करते आए हैं और इसके आगे हमें सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं. तो हम बहुत सारे कुछ करते रहते हैं, ये सेमिनार करो, वो सेमिनार करो, ये यूट्यूब वीडियो देखो, ये मोटिवेशन के लिए देखो, मगर एक्चुअली जो रियल एसेंस है, रियल ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ड्रास्टिक होना चाहिए, वो कभी नहीं होता. यस और नो, करेक्ट? We stay in the same vibrations. We stay in the same loop. And why this same loop? Because हमारे patterns, हमारे जो DNAs है वो इसके कारण होते हैं. And that is why this sound, the new science is also saying now कि जो sound है, जो light है, वो हमारे DNA shift कर पाते हैं. And that is why the yoga, that is why the real union. Because the moment you are unified, you are in kind of a अवेयरनेस कि मेरा पर्पस क्या है, स्वधर्म क्या है, विश्व स्वधर्म सूर्य बहाओ, ये संत ज्ञानेश्वर की लाइन है. तो वो क्या बोल रहे हैं कि सब जो जगत है, पूरा जो वर्ल्ड है, वो खुद का स्वधर्म सूर्य बहाओ, खुद के स्वधर्म के लिए आप. एंड धर्म इज नथिंग अबाउट द रिलीजन, इट इज नॉट अबाउट द रिलीजन और द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रिलीजन, इट इज नॉट अबाउट दैट. रिलीजन मीन्स और धर्म मीन्स योर ओन सेल्फ पर्पस. तो हम पर्पज ही नहीं फाइंड कर पाते. और ये जो एक्टिविटीज है योगा की, इट इज नॉट कि आपको दिन में अलग से टाइम निकाल के इसको करना है, इट गोज हैंड इन हैंड. योगा इज नॉट कि आप सुबह उठो 4 बजे और कुछ करो, वैसे नहीं है योग, वो आपको गलत तरीके से आपको जताया जा रहा है, करेक्ट? सो वो नहीं है योग. योग इज अ वेरी सहज एंड वेरी समृद्ध प्रोसेस, वेरी इज वेरी प्रॉस्परस प्रोसेस. और आज इधर तक आप आए हो, इट इज अ सिग्नल कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ आपने किया है. दैट्स व्हाई, बिकॉज ये सबको नहीं मिलता, ये जो है, ये जो कनेक्शन है विद द बोल्स और विद द काइंड ऑफ अ लीनियज, ये सबको पहले आपके में बता रहा हूँ. दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड विद काइंड ऑफ अ सेल्फ ग्रैटिट्यूड. सो ये सबको नहीं मिलता ये. तो आज इधर आए हो, सो लेट्स जस्ट चेरिश इट एंड वील बिगेन विद अ गुरु स्तवन. Become something else. Your life becomes a blessing. नहीं तो अभी क्या है? It's a curse. Yes or no? It's a curse. Right now we feel, अरे यार मैं ही ऐसा क्यों हूँ? मेरे घर में ऐसे क्यों है? All these patterns, they will actually kills you. Actually, ये kills the inside of us. तो इसके बाहर आना है और इससे हमें हरि को resonate करना है. And it is all a scientific. ये science कह रहा है अभी.
इसको अब ये गूगल करोगे ना तो CERN नाम की लैबोरेटरी है, वो बिगेस्ट लैबोरेटरी है जबकि फिजिक्स, वहां पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे रिसर्च हो रहा है और वो वहां पे जाके स्टैच्यू इसको पूछते हैं, वहां पे साइंटिस्ट लोग इसको देख रहे हैं एंड वहां पे सबसे बिगेस्ट स्टैच्यू है नटराजा के एंड वी आर गेटिंग लॉस्ट, वी आर नॉट गेटिंग कनेक्टेड विद आर वेरी आयुर्वेदा, वी आर नॉट गेटिंग कनेक्टेड विद द वेरी उपनिषद्स दैट हैज बीन टेलिंग एंड बिलीव मी ये जो रामायण है और जो महाभारत है वो अभी रिसेंटली गुरुजी ने मेरे साथ शेयर किया है कि व्यास जो थे, जो गुरुजी थे, जो अर्ली मास्टर्स थे, दे वर सो हाई एनलाइटेंड कि उन्होंने ऐसी डायरेक्ट मूवी बना दी और वो रियलिटी में मैनिफेस्ट कर दी। इट्स काइंड ऑफ दैट ही वॉज द डायरेक्टर, ही वॉज द स्क्रिप्टर, ही वॉज द मेकर ऑफ इट, सो दैट ये वेदास और उपनिषद का जो भी एसेंस है वो स्टोरीज में डाल दो। तो अगर स्टोरीज ही नहीं रहती तो क्या होता अभी तक, वो भूल जाते। अगर आप वेदास का फर्स्ट लाइन खोलोगे ना आप पढ़ ही नहीं पाओगे, दे फोर्स इट, दे फोर्स इट कि आगे की जनरेशन नहीं पढ़ेगी ये, दैट्स व्हाई दे मेड अ स्टोरी सो दैट एटलीस्ट बेड टाइम में कोई तो कोई सुनाते रहेगा। मगर उसका एसेंस अभी गया है, उसका एसेंस कहाँ पे है, क्रिया में है, योग में है, उन्होंने वो भी बताया था बट सो मेनी इयर्स डाउन द रोड इट हैज बीन लॉस्ट। मगर लॉस्ट भी अच्छे कारण के लिए हुआ है, सबके लिए ये नहीं बना है। करेक्ट, जिसको एंटरटेनमेंट है उसको एंटरटेनमेंट ही चाहिए रहता है, यस और नो? सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इन बोध मार्ग एंड वेलनेस वाइब। वेलनेस वाइब का सेंस, वेलनेस वाइब इट्स द अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, हेल्पिंग पीपल टू गेट ट्यून विद द इनर लव, विद द इनर हरी, विद द इनर अवेयरनेस, अवेयरनेस एंड डिवोशन थ्रू सम एक्टिविटीज। And we are now doing a challenge kind of a thing कि रोज 4 AM को उठना है, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है वो, 4 AM को उठ के हरि पाठ या जो भी क्रिया है या जो भी आप कुछ करना है, तो that's what we are creating a challenge। तो आपको किसी को कनेक्ट होना है वो 4 AM चैलेंज के साथ, ब्रह्म मुहूर्त, बिकॉज ये जो टाइम होता है नेचर के साथ अलाइनमेंट का होता है। You expand your mind, you expand your body in that.